मैं एक गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम बचाओ गुंडा वहां पे विलन के पास किस तरह का डायमेंशन होता है, हीरो हीरोइन के अलावा कौन होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मूवी का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ खलनायक टू मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। किसी भी मूवी पर अगर नजर डाली तो हीरो हीरोइन के किरदार के अलावा सबसे सशक्त किरदार खलनायक का होता है। विलन के पास बुरा होने के बावजूद डायमेंशन ज्यादा होते हैं। हीरो से उसकी हार आखिर में ही होती है, तब तक वो हीरो को परेशान ही करता रहता है। चाहे महाभारत हो या रामायण, हम दुर्योधन और रावण के किरदारों को कभी नहीं भूल सकते। हीरो बलवान तभी लग सकता है अगर वो जालिम और खतरनाक खलनायक को हरा सके। इस दौर में अब अक्षय खन्ना भी शामिल हो गए हैं। अक्षय अपनी दूसरी फिल्मी इनिंग्स के लिए खेल रहे हैं, वो भी नायक नहीं बल्कि खलनायक बनकर। हाल ही में वो ढिशुम में वरुण धवन और जॉन अब्राहम को चुनौती देते नजर आए थे। और अब 1993 की हिट मूवी खलनायक की रीमेक में भी एक खलनायक की भूमिका में दिखाई देंगे। लेकिन 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 मेन खलनायक तो संजय दत्त ही होंगे, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि संजय दत्त के बिना ये मूवी मूवी नहीं है। संजय दत्त की अपकमिंग फिल्मों में खलनायक सीक्वल भी एक है। डायरेक्टर सुभाष घई के निर्देशन में बनी मूवी खलनायक ने सिनेमाघरों में छप्पर फाड़ कमाई की थी। सुभाष घई खलनायक की सफलता को सातवें आसमान पर ले जाने के लिए ही इस मूवी का सीक्वल बना रहे हैं। वेल दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू।